आज की हमारी क्लासेस में बातचीत कर रहे हैं आपके साथ डायनेमिक चार्ट्स के ऊपर कि डायनेमिक चार्ट्स क्या होता है। तो चार्ट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ कि चार्ट, क्योंकि हमारे चार्ट का टॉपिक चल रहा है तो चार्ट के कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने चार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे चार्ट के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले के बारे में। So, हम फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता रहा हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया, मंथ में हमने इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं और यहाँ हम देते हैं सेल्स और अपने सेल्स की फिगर, सेल्स की हम फिगर्स नोट कर। हमने अपना सेल्स का फिगर यहाँ पे दिया हुआ, इस पे मैंने एक चार्ट बनाया, हमारी एक हमारा कॉलम चार्ट ही हमने डिस्कस किया। अब कॉलम चार्ट जब डिस्कस किया तो जो चार्ट का सीरीज है उस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सीरीज का फॉर्मूला दिखेगा। हमने आपको शुरुआती एक्सेल जो हमने शुरुआत की थी उसी समय आपको मैंने एक थ्योरी बताया था कि एक्सेल में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो चार्ट हो चाहे आपका और नॉर्मल सेल्स हो, अगर किसी सेल से कनेक्ट होता है तो वाया फॉर्मूला ही होता है। ओके तो यहां आपके सामने फॉर्मूला सीरीज का है, सभी भी समझिए सीरीज का फॉर्मूला क्या है। ये जो आपका बी वन दिख रहा है ये आपका है टाइटल, जो एक्सेस होता है टाइटल ही है। ये आपका ए टू से ए ट्वेल्व जो दिख रहा है ये आपका ए एक्सिस है, जैन फेमार जो एक्सिस है आपका। और ये जो आपका दिख रहा है ये आपका लेजेंड है जिसके हिसाब से आपका सिर बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स की लीजिए, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले की मदद से हम कुछ बना रहे हैं। तो हर साल का ये डेट देगा, चाहता हूं कि मेरे जो सेल्स के जगह पे सेल्स 2021 लिखा हो और ये लिंक हो जाए इस सेल्स, क्योंकि ये अगले साल 2022 हो जाएगा। तो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और ये बी वन को यहाँ से डिलीट करते हैं और इस बी वन के जगह पे सी वन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। अब ये मेरे सेल्स से लिंक हो गया, ये अपने आप से चेंज हो गया। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कमीशन करता हूँ तो कमीशन 2021 हो गया। इसको अगर और ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो और भी तरीके इससे हैं जिससे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास डेटा दो तरीके से, दो अलग अलग शीट्स पे मान लीजिए, जैसे कि यहाँ मैं नेम देता हूँ और यहाँ हमने क्वार्टर वन का सेल दे दिया, यहाँ पे पूजा। और यहाँ हम रैन बिटवीन की फॉर्मूला लगाते हैं। सेलेक्ट किया, कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम पेस्ट एज ए वैल्यू। अब इसी को कॉपी करके हम दूसरे शीट पे डालते हैं। दूसरा शीट जो है हमारा क्वांटर टू का, तो मेरे पास क्या है कि सेम सीक्वेंस तो सेम है बट अलग अलग शीट पे हमारा डेटा है। ध्यान रखिएगा मैंने बोला सीक्वेंस सेम है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे चार्ट जो बनाना है वो तीसरे शीट पे बनाना है, तीसरे शीट पे बनाना है, और क्वार्टर वन का डेटा इससे लेना है, क्वार्टर टू का डेटा इससे लेना है। तो यहाँ हम आते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में हम एक चार्ट ले लेते हैं, फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में आते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं क्वार्टर वन, और यहाँ जहाँ पे हमें क्वार्टर वन का डेटा हमें लेना है इसके जगह पे हम चले जाते हैं शीट थ्री और हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्वार्टर वन का। ध्यान रखिएगा दोनों का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। फिर वापस ऐड करते हैं, अब यहाँ देते हैं क्वार्टर टू और यहाँ जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं शीट सेवन और इसकी
दोनों का सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ जो है एडिट आ रहा है इसमें हम जो है किसी एक का नेम हेडिंग ले लेते हैं ताकि जो 1 2 3 करके आ रहा है उसके जगह पे नेम आ जाए। तो दो अलग अलग शीट से हमारा एक चार्ट कनेक्टेड है। पुनीत जी, अतुल जी, समझ में आया आपको? अगला ऑप्शन जो है वो बात करते हैं। अब इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है, चलिए बताते हैं। जैसे कि मैं कंडीशनल कलर लगाना चाहता हूं, कंडीशनल कलर चार्ट के अंदर हम कंडीशनल कलर देना चाहते हैं। यहां पे मेरे पास नेम है और यहां पे हमने सेल्स दे दिया। इसलिए क्या है कि अगर इस पे हम कलर करते हैं, मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया हमने, इसमें मान लीजिए मेरा जो सबसे हाई जो मेरा 80 से ऊपर जो गया है, मैं इसको करना चाहता हूँ ब्लू कलर। इसको सेलेक्ट करके मैं 1 by 1 कलर चेंज कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम है कि कल के डेट में ये जो आपका 85 है वो चेंज हो के मान लीजिए वो 41 हो गया, 88 था ना, हाँ 41 हो गया, तो फिर आपका 86 आपका कलर चेंज नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कलर भी चाहिए अपने हिसाब से कलर चेंज हो कंडीशंस के बारे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉर्मूला देना पड़ेगा, जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन 40, यहाँ पे 41 to 80 और यहाँ पे गेट दैन 80। तीन क्राइटेरिया है, तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए मुझे। यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ में बोलूंगा कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 40 है तो इसको शो करे, अदरवाइज ब्लैंक शो करे। वापस मैंने इफ लगाया, इफ में यहाँ पे हमने एंड दिया क्योंकि दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 41 या लेस देन इक्वल टू 80, ऐसा हो तो इसको नंबर को शो करो अदरवाइज ब्लैंक। और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, देंगे फॉर्मूला इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो इसको शो करें अदरवाइज ब्लैंक। और यहां पे हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मुझे अब इस पे पिवट लगाना है, तो मैं सिलेक्ट करके पिवट नहीं लगा, सॉरी चार्ट नहीं लगा सकता सिलेक्ट करके, क्योंकि अलग लग जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग सेल सेलेक्ट करके हमें ब्लैंक चार्ट कवर क्रिएट करना होगा। जी हाँ, ब्लैंक चार्ट। तो डेवलपर में, सॉरी डेवलपर माफ कीजिए, इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे हम एक चार्ट को लेते हैं, फिर राइट क्लिक सेलेक्ट डेटा ऐड। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेस देन 40, और लेस देन 40 में मैं लेस देन 40 का एरिया सेलेक्ट करूँ, फिर वापस हम इसको ऐड करते हैं और यहाँ पे 41 to 80, यहाँ पे हम 40 into 80 वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ करते हैं ग्रेटर देन 80 और यहाँ पे ग्रेटर देन 80 का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर एडिट में हम नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर नाम का अलग अलग कलर है। फॉर्मेट सेल पे जाइए,
अच्छा भैया, वॉइस सबको क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? क्या हो रहा है? ठीक है, तो इसको यहां से जो गैप है वो गैप को कम करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ जी बोलिए ना, सुन रहा हूँ। सर आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, आपकी इंटरनेट स्लो है इसलिए हो रहा है। मेरे एंड से प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है सर, कहाँ से नेटवर्क नहीं है। तो इसी कारण से हो रहा है, जियो 4G प्रॉब्लम होगा, मेरे एंड से प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी सारे को होता है ना सर, बाकी वो तो ठीक आ रहा है ना, मतलब आप प्रॉब्लम आपके एंड से, इंटरनेट स्पीड है सर, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बाकी इंटरनेट से चलने वाले एप्लीकेशंस को बंद कर दीजिए। अभी के टाइम में क्या ना, बहुत सारे यूज लोग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो सकता है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम डायनेमिक रेंज विद चार्ट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया, अब यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे मंथली, हमारा एक मान लीजिए कि मंथली रिपोर्ट है हमारा, जो कि साल भर हमारा बनती रहती है। तो जैसे कि अभी चल रहा है हमारा मई, तो मई तक की हमारी रिपोर्ट बन गई है, हमने इस पे चार्ट लगा दिया, इंसर्ट किया, कोई भी एक चार्ट ले लेता। अब अगले महीने मान लीजिए जून की रिपोर्ट बनेगी, या अगले दिन मान लीजिए, तो फिर मुझे दोबारा से चार्ट लगाना पड़ेगा, या फिर इसका एड्रेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जून आएगा, एवरी टाइम मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं पहले से इंक्रीज करके रख दूं तो कुछ इस तरह से चार्ट हमारा हो जाएगा। सो हम ब्लैंक को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि मेरा रेंज जो है उसी हिसाब से बने, तो इसके लिए थोड़ी सी तिगड़म करनी पड़ेगी ऑफसेट फॉर्मूले के साथ। इसके लिए आपको याद करना होगा अपना डायनेमिक रेंज वाली क्लास को, यहाँ हम ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, 0 0 1 होगा, 1, 0 हाइट जो है, हाइट के लिए मैं यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट ए माइनस 1 कर देता हूँ, क्योंकि हेडिंग भी है, और विड्थ हमारा फिक्स है 1, तो मैं विड्थ 1 कर दिया। अब इसको हमें करना होगा फ्रीज, फ्रीज करने के बाद इसको सेलेक्ट करके हमें और जाना होगा डिफाइन नेम रेंज में, यहां पे हम कर देते हैं MM, मतलब कि मंथ, और यहां पे हम उसको पेस्ट करते हैं सिंपल से, फिर वापस डिफाइन नेम करते हैं और यहाँ पे देते हैं सेल, SS कर देते हैं सेल के लिए, और फिर उसी फॉर्मूले को पेस्ट करते हैं, बस यहाँ जो कॉलम 1 था, 0 था कॉलम, उसको हमें बस 1 कर देते हैं। तो हमने दो नेम डिफाइन कर लिया, पहला हमने डिफाइन किया वो किसके लिए, सेल्स के लिए, जिसमें ऑफसेट का फॉर्मूला हमने यूज किया, दूसरा हमारा मंथ के लिए। और इसको सिलेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसको डिलीट कीजिए, इसमें मैं MM डाल देता हूँ, और यहाँ इसको डिलीट करके मुझे यहाँ SS कर देना, अब पूरी तरह से डायनेमिक हो गया। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे जून के जगह पे जुलाई करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे डायनेमिक नेम रेंज का इस्तेमाल हमने किया है। अब बात
बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डायनेमिक चार्ट्स की, तो जैसे कि मैंने नेम वाइज और मंथ वाइज हमने छोटा सा डेटा लिया हुआ है, मान लीजिए, और यहाँ पे हमने नेम डाल दिया, फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि मैं इसको पूरा को सिलेक्ट करके चार्ट बनाता हूँ, तो चार्ट को मैं अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चार्ट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन भरा हो जाएगा, हम तो ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि पूजा और नीरज में कितना सेल हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है कि हमें कंपेयर इस पर्सन टू पर्सन नहीं करना है, हमें कंपेयर करना है पर्सन को मंथ से, कि कौन सा पर्सन किस मंथ में कितना सेल किया है, कौन सा पर्सन किस मंथ में कितना सेल किया है, बस हमें इसकी कंपेयरिंग करना है। ओके, तो कैसे करेंगे कंपेयर, तो मैं इसमें क्या है कि मुझे इस तरह से वन बाय वन चार्ट बनानी, हर नेम की भी एक चार्ट। अब मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए 10,000 नेम है, तो 10,000 नेम की 10,000 चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी, एक तो बनाना मुश्किल होगा और दूसरा यूज करना भी मुश्किल होगा। मैं चाहता हूँ चार्ट में यही भी कोई ड्रॉप डाउन सिस्टम हो जाए, जिसको हम सिलेक्ट करें और यहाँ पर मेरा नेम सिलेक्ट करें और चेंज हो जाए, तो उस केस में मैं यहाँ देता हूँ, यहाँ पे जो हेडिंग है इसको उठा के मैं लाता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं मैनुअली वन देता हूँ और यहाँ इक्वल करता हूँ ऑफसेट, ऑफसेट, और यहाँ इसको सेलेक्ट किया कॉमा, रोज को सेलेक्ट किया कॉलन जीरो किया, और हाइट विड्थ भी रखने की जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे जो है हमारा A13 इसको फिक्स करके आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो ये क्या हुआ कि वन ऊपर से एक रो का डेटा दे रहा है, अगर मैं दो किया तो ऊपर से दो रो, थ्री किया तो ऊपर से थ्री रो को डेटा देगा। अब मैं नीचे जो हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ डेवलपर में आते हैं और यहाँ पर आते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट यहाँ हमारे पास आता है कॉम्बो बॉक्स। अब इसमें बोलेंगे सर तो VVA, तो एक मिनट, कॉम्बो बॉक्स में बाद में डिजाइन करता हूँ, पहले चार्ट बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट कर लिया, अब इन चार्ट के ऊपर मैं यहाँ डेवलपर टैब से कॉम्बो बॉक्स उठाऊंगा और ड्रैग कर दूँगा। तो आप सोचेंगे सर ये तो इसमें तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो VVA का पार्ट है, डेवलपर का पार्ट है। देखिए डेवलपर के इंसर्ट में दो तरह के कंट्रोल्स हैं, पहला है फॉर्म कंट्रोल, दूसरा है एक्टिव कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल से अगर आप ड्रैग करते हैं तो आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप फॉर्म कंट्रोल से करते हैं तो फिर आपको इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो बगैर कोडिंग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कंट्रोल पर जाएंगे और यहाँ इनपुट रेंज में हम इस इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेल लिंक में हम ये 3 को सिलेक्ट करके 3D सेटिंग को सिलेक्ट कर देते हैं, देन ओके। और जैसे मैं यहाँ पे 1 क्लिक करूँगा, क्योंकि हमने इसके जो सेल लिंक सेलेक्ट किया था, देखिए इसमें दो चीज़ें थी, अब ध्यान से देखिए, पहला इनपुट रेंज जिसमें हमने अपने रेंज को सिलेक्ट किया था, दूसरा आता है सेल लिंक, हमें इसका जब ये इसमें चेंज होगा तो उसका सीक्वेंस नंबर कहाँ डालना है, सीक्वेंस नंबर डालना का। तो ये नंबर ये आपका A13 सेलेक्ट किया था, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए कविता, तो कविता का पोजीशन तीसरे नंबर पे है, तो 3 जो है यहाँ पे डाल देगा, जैसे नंबर यहाँ चेंज होगा ऑफसेट जो है अपना फॉर्मूला चेंज कर देगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझ में आया आपको, अतुल जी कोई डाउट है?